हेलो फ्रेंड्स, नेहास कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। गर्मियों में मिल्क शेक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी से बना है तो ये हेल्दी भी बहुत है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसके इन्ग्रीडियंट्स देखते हैं। 2 कप कटी हुई स्ट्रॉबेरीज, 1 कप ठंडा दूध, 2 से 3 बड़े चम्मच वनीला आइसक्रीम, 2 बड़े चम्मच चीनी। तो चलिए शेक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्लेंडर में 2 कप कटी हुई स्ट्रॉबेरीज और 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दें। अब इसे 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से पीसकर स्मूथ पेस्ट बना लें। अब इसमें टेस्ट के लिए 3 बड़े चम्मच वनीला आइसक्रीम और 1 कप ठंडा दूध डाल दें। अब फिर से इसे लगभग 2 मिनट तक ब्लेंड कर लें, जिससे स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक क्रीमी और स्मूथ बन जाए। अगर दूध ठंडा ना हो तो आप अपने अनुसार बर्फ भी डाल सकते हैं। अब हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक तैयार है, तो इसे ग्लास में डाल लें। आप चाहें तो इसे सर्व करने से पहले कटी हुई स्ट्रॉबेरी से इस तरह गार्निश भी कर सकते हैं। अब हमारा टेस्टी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक सर्व करने के लिए तैयार है। इस आसान रेसिपी को आप कभी भी बनाकर पी सकते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरा रेसिपी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और रेसिपी ट्राई करनी है तो ऊपर वाले पिक्चर पर क्लिक करें।